अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में आपको एक साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और कंट्रास्ट हम बनाएंगे। प्लेन फैब्रिक भी हम यूज़ करेंगे इसमें और प्रिंट फैब्रिक भी करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने इसकी कटिंग कर ली है, पीस मैंने लैदा लैदा कर ली है पेटी के घेरी के। तो मैं सारी आपको अभी मेजरमेंट करके बता देती हूँ इस फ्रॉक की। ये बैक साइड की पेटी के लिए मैंने कपड़ा कटिंग किया और इसकी लंबाई जो है 7 इंच तक और चौड़ाई मैंने 16 इंच तक ली है। पेटी को हमने तैयार 11 इंच तक करना है, लेकिन मैंने इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली है क्योंकि हमने सिलाई में भी फैब्रिक लेना और बैक साइड से इसकी जो हम बटन टेक बनाएंगे उसके लिए भी फैब्रिक फोल्ड होगा। तो तीरे की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच तक ली है और 5 इंच तक हमने इस तरह आर्म होल के लिए कटिंग की है, निशान लगाया। अब यहाँ से हमने इस तरह गुलाई में आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद बैक साइड की पेटी को हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। तो बैक साइड से हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो हमारा तीरा वगैरह सारी मेजरमेंट बराबर आ जाएगी। अब ये फ्रंट साइड की पेटी के लिए मैंने कपड़ा कटिंग किया है, इसकी चौड़ाई हमने 16 इंच तक फ्रंट साइड बैक साइड की पेटी के जितनी लेनी है, लेकिन लंबाई हम 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेंगे। बैक साइड की पेटी हमने 7 इंच तक रखी थी तो इसकी मैंने लंबाई 9 इंच तक कटिंग की है। इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है इसलिए हमने इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा ली है। अब इसके बाद ये मैंने स्लीव के लिए फैब्रिक लिया है, ये आप देख ले मैंने डबल करके फैब्रिक लिया है और ये देखिए डबल करने के बाद 7 इंच तक इसकी चौड़ाई है। इसको अगेन हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि दोनों स्लीव हमारे बराबर कटिंग हो जाए। अब यहाँ से स्लीव की जो लंबाई है वो 4 इंच तक है और ये पफ स्लीव्स मैं बना रही हूँ, हाफ स्लीव बना रही हूँ, तो 4 इंच तक ही हम इस तरह सीधा रखेंगे और 4 इंच ही हम तिरछा निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो स्लीव्स हैं वो भी कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी घेरी की कटिंग कर लेते हैं। तो घेरी मैं प्रिंटेड लाउन की लगा रही हूँ, तो ये देखे मैंने प्रिंट फैब्रिक लिया है और फ्रंट और बैक साइड की घेरी के लिए मैंने फैब्रिक लिया। इसको मैं सेंटर से कटिंग करके आपको इसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 20 इंच तक है और लंबाई इसकी 8 इंच तक है। मैंने टोटल इस फ्रॉक को जो तैयार करना है वो 15 से 16 इंच तक करना है। तो इसकी जब हम तैयार करेंगे तो लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी, तो लंबाई भी हम एक्स्ट्रा नीचे हम फ्रिल लगाएंगे। तो वो किस तरह से लगानी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये फ्रंट साइड का फैब्रिक लिया है पेटी का, इसको हमने इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है। तिरछा फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हमने किनारे की सिलाई वाले पिंटक्स डाल लेने हैं। ये देखे एक पिंटक्स मैंने बिल्कुल तिरछा डाल लिया है और पिंटक्स की सिलाई भी आप देख लें बिल्कुल किनारे पर मैंने लगाई है। अब इसके बाद हम इसके आगे की तरफ पिंटक्स डालेंगे, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, दोनों तरफ हमने सारे इस फैब्रिक के ऊपर पिंटक्स डालने हैं। तो इस तरह हम इसके आगे की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हमने 1.5 इंच तक फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पर ये देखिए 1.5 इंच का आपने एक पिंटक्स से दूसरे पिंटक्स के सेंटर में 1.5 इंच का गैप रखना है और किनारे की सिलाई लगाकर आपने पिंटक्स डालते जाना है। ये देखिए ऐसे ही हमने इस तरफ भी डाल लेने हैं जितने आएंगे और इस तरफ भी सारे पिंटक्स हम डाल लेते हैं। ये देखिए पिंटक्स डाल लिए, अब हमने इन सारे पिंटक्स को प्रेस से अच्छी तरह एक तरफ रुक करके हमने इसे बैठा लेना है। उसके बाद हम इसकी अब इस साइड की नोक को इस तरह से डबल करेंगे, तिरछा फोल्ड करेंगे जैसे हमने पहले फोल्ड किया था। अब पिंटक्स का रुख हमारी तरफ होना चाहिए ताकि हमारे पिंटक्स जो है वो एक तरफ आए अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किनारे की सिलाई लगानी है जैसे पहले हमने पिंटक्स की लगाई है। अब यहाँ पर भी हम आगे की तरफ 1.5 इंच तक फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, जितना फैब्रिक हमने पहले फोल्ड किया था उतना ही हम बाद में करेंगे ताकि हमारे सेंटर के जो बॉक्स हैं वो बिल्कुल बराबर बने।
ये देखें यहाँ पर भी अब हमने इस तरफ भी और दूसरी तरफ दोनों तरफ हम ऐसे ही 1.5 इंच का गैप लेकर पिनटक्स डाल लेते हैं। तो व्यूवर्स ये मैंने सारे पिनटक्स डाल लिए, अब इनको भी हमने प्रेस से अच्छी तरीके से एक तरफ रुक करके बिठा लेना है। उसके बाद हम बैक साइड की पेटी को तैयार कर लेते हैं। तो बैक साइड की पेटी को हमने ये देखें 1/2 इंच तक इस तरह फोल्ड करना है और इस तरफ हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस साइड से भी ऐसे ही हमने फोल्ड करना है। दोनों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये देखे एक साइड को इसके ऊपर रखना है और इस साइड से हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। 2 इंच के करीब मैंने किनारे की सिलाई लगाई है, बाकी ऊपर वाली साइड से हमने वैसे ही चाक छोड़ दिया है। ये बैक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद व्यूवर्स हम इसका गला कटिंग कर लेते हैं जो हमने फ्रंट साइड पर लगाना है। तो फ्रंट साइड पर मैंने बुकरम साइड का गला लगाना है। बुकरम का मैंने एक यहाँ पर पीस कटिंग किया है और इसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच तक और चौड़ाई 6 इंच तक कटिंग की है। अब इसे हम इस तरह डबल करते हैं। डबल करने के बाद इसकी चौड़ाई हम 2 इंच तक ले लेते हैं और डीप जो है गला वो मैं 2.5 इंच तक लूँगी। अब 2 इंच इस तरफ निशान लगा लेते हैं और लंबाई में इस तरफ भी लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इसकी गुलाई कर लेते हैं। तो ये हमने राउंड शेप में निशान लगा लेने हैं। गोल हमने गला कटिंग करना है और 1 इंच के करीब हमने इसके साथ साथ बुकरम को छोड़ना है। बिल्कुल बराबर हमने बुकरम इसके साथ छोड़ना है। आप अंदाजे से या फिर मेजरमेंट कर लीजिएगा ताकि आपका बुकरम बिल्कुल बराबर आए, कम ज़्यादा ना हो। ये देखें मैंने निशान लगा लिया 1 इंच के पहले ही। तो अब उन्हीं निशान पर मैं इस तरह से गुलाई में बुकरम को कटिंग कर लूँगी। उसके बाद हम इस बुकरम को अलहदा कपड़े पर पेस्ट करेंगे और कंट्रास्ट कलर में हम लेंगे। हमारी जो पेटी है वो सिंपल है तो मैंने उसके साथ प्रिंटेड कपड़े पर पेस्ट किया इस गले को। अब हमने जो हमारे पिनटक्स के उस फ्रंट साइड थी उसको हमने बैक साइड के बराबर रख कर कटिंग कर लिया है। सारी हमने उसके आर्म होल की सारी कटिंग कर ली है। अब हमने जो प्रिंटेड गला पेस्ट किया था उस गले को हमने इस फ्रंट साइड पर उल्टी वाली साइड पर रख कर स्टिच करना है। यहाँ पर व्यूवर्स हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इसके बाद एक पैर तक कपड़ा छोड़कर इसके अंदर से हम सारा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब हम इस बुकरम गले को सीधी वाली साइड पर पलटा लेते हैं और इस बुकरम के साइडों पर भी हमने 1/2 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था। तो इस कपड़े को हमने ये देखें बुकरम के बिल्कुल बराबर हमने फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ और इस तरफ हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सारा गला हमने ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब हम इसका फ्रंट और बैक साइड का तीरा अटैच कर लेते हैं, शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने 1.5 इंच के करीब बैक साइड का जो हमने बैक तीरा है बैक गला हमने डीप रखना है और इस तरह गुलाई में हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक तीरा बनाने के लिए हमने रेब फैब्रिक लेना है और उसकी चौड़ाई हमने 1 इंच तक लेनी है और इसे हम इस तरह से डबल करेंगे और इस तरह से हम बैक साइड का गला बनाएंगे गुलाई में। यहाँ से हम 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे और उस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ से भी ऐसे ही हम फोल्ड करके रखेंगे।
फोल्ड करने के बाद अब हमने एक पैर तक कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटा लेते हैं और इसके दूसरी तरफ हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह हमारा जो बैक साइड का गला भी है वो भी रेडी हो गया है। और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमने 2 इंच का बटन टेक छोड़ी है, यहाँ पर हम बैक साइड पर टिच बटन लगा लेंगे। इस चाक को हम इस तरह टिच बटन से कवर कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसके साथ अपनी घेरी को अटैच करते हैं। तो अब हम घेरी को नीचे रखेंगे, सीधा करके हम घेरी को रखेंगे और उसके ऊपर हम उल्टा करके पेटी को रखेंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल बारीक बारीक चुनट्स डाल लेंगे। आप चाहें तो फिरकी इलास्टिक से या फिर धागा खींच कर भी चुनट्स डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर हाथ से ही बहुत बारीक चुनट्स डाल रही हूँ। प्लेट वगैरह आप इस डिज़ाइन पर ना डालिएगा, चुनट्स ही डालिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। सेम ऐसे ही बैक साइड की घेरी भी हम लगा लेंगे। इसके बाद हम इसके स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो ऊपर वाली साइड से जितना हमने सीधा कटिंग किया था वो सारे उस एरिया पर हमने फैब्रिक पर से चुनट्स डाल लेनी है और फ्रंट साइड से हमने एक पैर तक फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। एक पैर तक फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर मैं लेस ले रही हूँ अपनी फ्रॉक के हिसाब से। मैंने ये देखें बिल्कुल शिटर लेस ली है और छोटे साइज़ की ली है। अब इस लेस की जो लंबाई है वो मैंने 9 इंच तक कटिंग की है और इस लेस पर हम इस तरह चुनट्स डालते जाएंगे, ऊपर हम लेस को रखते जाएंगे। इस लेस के मुताबिक हमने चुनट्स डालनी है। तो हमारे स्लीव जो है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। एक दूसरा भी स्लीव आप ऐसे ही रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद व्यूवर्स मेरे पास लेस बच गई है तो उसको मैं यहाँ पर इसकी पेटी के ऊपर अटैच कर रही हूँ। अगर आप ना लगाना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अगर आप स्लीव पर भी लेस ना लगाना चाहें तो आप मगजी लगा लीजिएगा चुनट्स डालकर। मेरे पास लेस थी तो मैं इसे लेस को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। लेस की चौड़ाई कम है तो इसलिए मैं सेंटर में एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर रही हूँ। ये फ्रंट साइड की पेटी पर लगा रहे हैं, सेम ऐसे ही बैक साइड की पेटी पर भी मैं लेस लगा लूँगी। अब व्यूवर्स हम इसके साथ स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए उल्टा करके हमने इस फ्रॉक के ऊपर स्लीव को रखना है और यहाँ से एक पैर तक कपड़ा हमने सिलाई में लेना है। सेम ऐसे ही दूसरा स्लीव भी हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो 1 से 1.5 इंच तक कपड़ा हमने साइड की सिलाई में लेना है और हमने एक तरफ से इस फ्रॉक को हमने बिल्कुल एंड तक स्टिच करना है और एक तरफ से हम 1 इंच का ये चाक छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके घेरे पर, लंबाई थोड़ी कम थी तो इसलिए मैं इसके घेरे पर यह फ्रिल लगा रही हूँ। फ्रिल की लंबाई जो है वो 3 इंच तक है। ये देखिए 3.75 इंच तक फ्रिल की लंबाई है। फ्रिल एक तरफ से फ्रिल के इस टिश्यू की मैं ये फ्रिल लगा रही हूँ, एक तरफ से पीको हुई हुई है, दूसरी साइड से सिंपल है। तो उस साइड से मैं इस फ्रॉक के साथ इसे अटैच करूँगी और यहाँ पर हम इस फ्रिल के ऊपर प्लेट्स डालेंगे, फ्रिल के ऊपर हम चुनट्स नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच का हम प्लेट डालेंगे और 1 इंच का सेंटर में गैप रखेंगे। इसी तरह से हमने इस सारी फ्रिल के ऊपर प्लेट्स डाल लेने हैं। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो तो आप पहले फ्रिल के ऊपर प्लेट्स डालकर एक सिलाई लगा लीजिएगा और उसके बाद आप उसे अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लीजिएगा। ये देखिए मैं 1 इंच का सेंटर में गैप रख रही हूँ और 1/2 इंच के मैं इस तरह से प्लेट्स डाल रही हूँ। व्यूअर्स अगर आपके पास टिश्यू ना हो तो आप लाउन के सिंपल फैब्रिक की भी लगा सकते हैं फ्रिल। और अब हम इसे के एक साइड से हमने जो चाक छोड़ा था उसको हम इस तरह स्टिच कर लेते हैं।
तो हमारी जो फ़्रॉक है वो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश है। ये मैंने आपको एक साल तक की बच्ची के लिए मेजरमेंट बताई है। अगर आप बड़े साइज़ की बच्चियों के लिए भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने छोटी बच्चियों की बहुत सारी वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर की हैं, तो जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। और व्यूवर्स, बड़े नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आज का मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और व्यूवर्स, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।